नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित न किए जाने के विरोध में मंडला जिले के निवास विधानसभा से विधायक अशोक मर्सकोले और बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल पर हैं। इन हड़ताली विधायकों को पड़ोसी जिले डिंडोरी के पूर्व मंत्री विधायक ओमकार मरकाम और शैपुरा विधायक भूपेन्द्र का भी समर्थन है। इनका कहना है कि आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित न कर भाजपा सरकार ने न सिर्फ प्रदेश के आदिवासियों का अपमान किया है बल्कि आदिवासी विरोधी मानसिकता भी प्रदर्शित की है। डिंडोरी विधायक ओमकार ने तो बीजेपी के आदिवासी नेताओं, सांसद, विधायकों और मंत्रियों को बीजेपी के दबाव में काम करने वाला आदिवासी नेता बताया और लानत दी। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे निवास विधायक अशोक मर्सकोले का कहना है कि बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा इसी से सामने आता है कि उसने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी संस्कृति समाज का अपमान किया है। अशोक मर्सकोले ने इतना तक कहा कि कल कोई भी आदिवासी विधायक मंत्री सदन में उपस्थित न हो और जो शामिल होगा वो आदिवासी समाज का गद्दार कहलाएगा। अशोक मर्सकोले ने 10 अगस्त को सदन में पहुंचकर सरकार से आदिवासी विरोधी होने का कारण पूछने की भी बात की। मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों के हितों को नज़रअंदाज करने का काम कर रहा है। हमारे मूल्यों को ये सरकार पूरी तरह से इधर उधर करके हमारे मूल्यों को रोकने का काम कर रहा है। विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण भारत नहीं बल्कि विश्व में संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए घोषित यह भारत जो यूएनओ के द्वारा यह दिन है और इस पर सरकार छुट्टी नहीं दे रहा, जबकि जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं ट्राइबल मिनिस्टर था, तो हमने हमारी सरकार ने छुट्टी दिया था, साथ में राशि भी जारी किया था। उसको बंद करने का काम जो प्रदेश सरकार किया है ये बहुत अनुचित है, घोर निंदनीय है। विश्व आदिवासी दिवस सभी समाज के लोग इसको मांग कर रहे हैं तो सरकार को छुट्टी देना चाहिए। अगला कदम क्या होगा आप लोग? हम लोग लड़ेंगे, कल विधानसभा सत्र है और सत्र में जिस तरह से हमारे प्रदेश में जो छुट्टी था उसको इन्होंने जो निरस्त किया है, हम लड़ाई लड़ेंगे। कुलस्ते जी पर क्या कहना चाहेंगे, वो भी राष्ट्रीय नेता हैं आदिवासी? कुलस्ते जी हमारा समाज का है नेता, भाजपा का सदस्य है, मंत्री है, वो बाद में है, पहले कुलस्ते है और मैं मरकाम हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि कुलस्ते जी समाज के हित में बात करेंगे, पर कल जब मैं धरने में बैठा था भूख हड़ताल में डिंडोरी में और वो जिस तरह से बयान दिए हैं कि ओंकार सिंह का ये काम ही है, कुलस्ते जी समाज के लिए ओंकार सिंह का काम हित में है, आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आप प्रदेश सरकार से बात करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए, छुट्टी घोषित कराने की कोशिश करिए और अगर आपकी नहीं चलती है, सिर्फ आपको इशारे पर काम करने के लिए मंत्री बना करके रखे हैं, तो माननीय कुलस्ते जी यह ऐसा पद हमारे लिए सुशोभित नहीं होता। मैं मंत्री था, मैं अपने मंत्री पद में रहते हुए जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी से बात करता था अपने समाज के हित में, हम कभी नहीं डरे और आज भी हम कहना चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी डिंडोरी में जब 24 फरवरी को आए थे तो बोले थे कि ओंकार सिंह जरूरत पड़ेगा तो कुर्ता खींच कर मेरे से काम लेना पर लेना, ये हमें अधिकार। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, पूरे दुनिया में इस पर्व को सभी मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं, विशेषकर इसमें आदिवासी समाज की अग्रणी भूमिका रहती है। मंडला में 2017 के पहले से प्रशासन और शासन के द्वारा छुट्टी दी जाती थी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पूरे मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को शासकीय छुट्टी घोषित किया गया। हम चाह रहे थे, मध्य प्रदेश का आदिवासी और सभी वर्ग के लोग चाह रहे थे कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी के दिवस छुट्टी घोषित हो, जिसके लिए हम सब लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी पत्र लिखा, मुलाकात भी की, निवेदन भी किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार किए, लेकिन उन पत्रों का आज तक किसी प्रकार कोई जवाब नहीं आया। और ये तब किया गया किए कि जब 9 अगस्त आदिवासी दिवस की छुट्टी कैंसिल की गई, तब फिर एक ही एक का जो हुआ वो आपके सामने है। हमारा ये मांग है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो आदिवासियों के हितैषी है तो कल 9 अगस्त है, वो 9 अगस्त को छुट्टी घोषित करे,
ये हमारी मांग है, और अगर वो नहीं करती है तो विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम तो मनाया जाएगा और हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। रही बात कोरोना कोरोना की, तो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका हम सब लोग पालन करेंगे, क्योंकि आदिवासी एक ऐसा समाज है जो एक विशाल जनसंख्या और विशाल रूप में गांवों में, शहरों में और पूरे दुनिया में निवास करती है। ये कोई चर्चा हुई, ये है, ये होना भी चाहिए कि सरकार अगर इतने प्रदेश में इतने बड़े वर्ग का अगर अहित सोचती है, हित नहीं सोच सकती है, किए कराए छुट्टी को कैंसिल करती है और उसी दिन से सत्र आयोजित करती है, जबकि उसको मालूम है कि हर जगह पर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, सब पूरे लोगों के साथ में मिलके बैठ के पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन आपने क्यों विधानसभा सत्र रखा? चलो आपके आप आदिवासी तो आपके माइंड में ही नहीं है, तो उनके तीज त्यौहार भी आपके माइंड में नहीं है। अरे हमने माइंड में आपको कराया, राज्यपाल महोदय को हमने संज्ञान में दिया, मुख्यमंत्री महोदय को हमने संज्ञान में दिया, कलेक्टर जी को हमने संज्ञान में दिया, कि किसी एक के भी ध्यान में नहीं आया क्या? मतलब आदिवासी के बारे में आप नहीं सोच सकते हो? तो हम समाज के माध्यम से ये संदेश पहुंचाए हैं कि जनप्रतिनिधि जितने भी आदिवासी समाज से हैं और उस सदन का बहिष्कार करेंगे, और जो अगर जाता है वो ये माना जाएगा कि वो समाज का गद्दार होगा जो जाके वहाँ अटेंड कर रहा है। 10 तारीख को हम सम्मान विधानसभा सत्र में जाएंगे और सवाल पूछेंगे कि आदिवासियों से आपको क्या तकलीफ है।